गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग अगली एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक आप एग्जांपल देख लें। एक रेशनल नंबर है 5.37 बार, इसको आप नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने सपोज कर लिया 5.3777 डेसिमल के 4 डिजिट तक हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। बच्चों कैसे करेंगे, आप ध्यान दें, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। तो नंबर लाइन पे हमने 5 और 6 को ले लिया है और उसके बीच में टोटल 10 पार्ट किए हैं, 10 बराबर हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। अब बच्चों 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, हमें 5.3 पे पहुंचना है। तो आप ध्यान दें 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड 6। तो 5.3 यहां पर लाई करेगा और 5.37 यानी 5.3 और 5.4 के बीच में ये लाई करेगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से हमने इसको बड़ा किया। अब हम यहां पर बात करेंगे 5.37 की। किसकी बात करेंगे, देखिए यहां पर आपने बात की 5.3 की, अब बात करेंगे 5.37। तो बेटा ये नंबर आपको पता है, ग्रेटर है 5.3 से बट लेस है 5.4 से। इसका मतलब क्या हुआ, 5.3 और 5.4 के बीच में ये लाई करेगा। इसके बीच में हमने फिर से 10 पार्ट डिवाइड किए, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 एंड 5.40। बच्चों 5.37 यहाँ पर है और 5.377, 5.38 इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो अब हम किस नंबर की बात करेंगे, 5.377। बच्चों ये नंबर ग्रेटर होगा 5.37 से बट लेस होगा 5.38 से। तो 5.37 और 5.38 मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने इसको फिर बड़ा किया। यहाँ पर 10 पार्ट में हमने फिर से डिवाइड किया, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375 एंड सो ऑन। अब बच्चों ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 5.377 इससे ग्रेटर होगा लेकिन 5.378 से लेस होगा। तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। हमने यहां पर फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया और इस वैल्यू को बड़ा किया। अब बात करेंगे बच्चों 5.3777 की। ये नंबर आपका 5.377 से ग्रेटर होगा बट लेस होगा 5.378 से। बच्चों यहां पर भी आपने 5.377 5.378 के बीच में 10 पार्ट किए, 5.3771 एंड सो ऑन अप टू 5.378। 5.3777 ये कहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा। तो ये इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए 5.3777 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, वो कहाँ लाई करेगा,
तो इन दोनों के बीच में, यहां पर आप कह सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इस चीज को और क्लियर करने के लिए इन वीडियोस को आप बार बार देखें, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अपने आप से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4। बच्चों पहला क्वेश्चन है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलिए इसको समझते हैं। एक्सरसाइज 1.4, बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका 3.765, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये नंबर 3 से ग्रेटर है बट लेस देन 4, यानी ये नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच में लाइक करेगा। ये नंबर लाइन है, -1 -2 -1 2 3 4 5। तो बच्चों यहां पर ये तो क्लियर है कि ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो यहां पर हम जूम इन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों यहां पर हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने, आप देख रहे हैं इस तरह से हमने जूम इन किया, ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। ये आपका 3 है और बेटा ये आपका 4 है। इसके हमने कितने पार्ट डिवाइड किए, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 and 4। ठीक है बेटा, अब इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करेंगे हम इतने डिजिट की, 3.76 3.7, ये आपका कहां लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा। इसका मतलब जो ये वैल्यू है यहां से यहां तक, ये 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इस पार्ट को जूम इन करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। फिर से हम इसको 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बहुत इजी है अगर आपने समझ लिया। इसको हमने ज्वाइन करा दिया,
और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको ज्वाइन करा था। बेटा ये आपका है 3.7 और ये आपका है 3.8, ठीक है। ये कितना होगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, ठीक है। अब बच्चों ये नंबर 3.76 आपका ये रहा 3.76, यानी 3.765 3.76 3.77 के बीच में लाई करेगा। अब इसको भी हम इसी तरह से जूम इन करेंगे, टेन पार्ट में डिवाइड करेंगे, आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको मिला दिया आपने 3.77, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसको मिला दिया आप, तो बच्चों ये है आपका 3.76, 3.77, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। अब बच्चों 3.765 यहां पर लाई करेगा, आप देख सकते हैं ये वैल्यू, ये आपका आंसर 3.765। तो देखा आपने कितनी आसानी से इसको ड्रॉ कर लिया। तो बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके वीडियोस जिन्हें इनकी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें आपको और क्लियर हो, अच्छे से आएं, तो वीडियोस को बार बार देखें और नोटबुक पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। चलिए देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 4.26 बार, 4.26 और बार के 26 पे लगा हुआ है और आपसे बोला गया है अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो आप इसको लिखेंगे 4.26, बस इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि ये नंबर आपका ग्रेटर है 4 से, बड़ा है,
और 5 से लेस है, 5 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, टेन पार्ट में डिवाइड कर दें, को आपने 4 से मिला दिया क्योंकि यहाँ क्लियर है 4-5 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पर हम जूम इन कर रहे हैं इसको, ये बेटा 4 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बच्चों यहाँ पर 5 है, ये 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5। अब बच्चों इसको आप देखें ध्यान से, 4.26, 4.2 यानी ये वैल्यू 4.2 से बड़ी होगी लेकिन 4.3 से छोटी होगी। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जूम इन करेंगे यहाँ पर, बस चीज़ों को क्लियर करने के लिए वीडियोस को आप बार बार देखें और नोटबुक में प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पर हमने ज्वाइन करा दिया इसको, फोर पॉइंट टू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 4.3 है, ये आपका 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, और ये हो गया 4.3। अब बच्चों आप ध्यान दें, 4.262, 4.26 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो अब इस हिस्से को जूम इन करना होगा, बस वीडियोस को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें, जम के प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीजें आसान लगे। तो यहां पर आपने ज्वाइन करा दिया, ये आपका 4.27 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका 4.26, जूम इन किया है यहाँ पर भी 4.26, ये हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब बच्चे 4.262, 4.262 यानी इन दोनों के बीच में लाई करेगी ये वैल्यू, तो इस हिस्से को हमें जूम इन करना होगा, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे,
ये आपका है 4.263, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका है 4.262, ये बच्चे होगा 4.262, 4.262, 4.262, 4.262, 4.262, 5, 4.262, 6, 4.267, 4.262, 8, 4.262, 9, बट आपको 4.2626 चाहिए था, 4.2626 तो या कहाँ पर लाई करेगा 4.2626, ये वैल्यू, ये वैल्यू आपकी है 4.2626। अगर बार की बात कहे तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर लाई करेगा, अगर 4.26 बार को रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ बीच में यहाँ पे लाई करा सकते हैं। तो बेटा ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इन क्वेश्चन की अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।